अरे मैं देहार हरिधाम आश्रम के पीछे नर्मदा तट के घाट पर अभी विहंगम दृश्य दिख रहा है। पूरी लाइटिंग उस तट पे है, उत्तर तट पे। हम लोग दक्षिण तट पे है। दक्षिण तट को पितृ तट कहा जाता है। और ये सरदार सरोवर डैम के गेट पीछे दिख रहे हैं नीचे, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, देखिए ये दिख रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी दिख रहा है। पीछे से दिख रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा। और ये पुल है पूरा, ये जो है पुल है पूरा। और पुल के नीचे ये जो पुल के बीच में ये जो दिख रही है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसके पीछे सरदार सरोवर है। ये नीचे पुल के नीचे हरे कलर में गेट दिख रहे हैं डैम के, नर्मदे हार। और ये मैया, पूरी पूरी मैया, नर्मदे हार, पूरी मैया का तट और लाइटिंग। और इस तट पे ये शिवलिंग का दृश्य दिख रहा है सुंदर सा। लाइटिंग के थ्रू ही किया है या क्या है पता नहीं है। ये शिवलिंग है और नीचे बिल्वपत्र चढ़ाए हुए जैसी जलहरी लग रही है और शिवलिंग लग रहा है ये। नर्मदे हर ओम नमः शिवाय। और ये गुरुद्वारा जैसे अपने ग्वारी घाट जबलपुर में दिखता है वैसे गुरुद्वारा है या क्या है पता नहीं है, अभी पता नहीं मुझे, लेकिन रात के समय बहुत अच्छा दिख रहा है। नर्मदे हर ओम नमः शिवाय। और ये सुंदर सा मैया का तट और ये लाइटिंग और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व प्रसिद्ध एकता का, भारतीय एकता का प्रतीक। नर्मदे हर। और पुल है ये, वो पुल के उस पार स्टैचू ऑफ यूनिटी है और उस साइड सरदार सरोवर बांध के गेट और बांध। और ये यहाँ पर ये जो लाइटिंग है देखिए, ये लाइटिंग भी इतनी सुंदर लाइटिंग वो हो रही है, ये बार बार फ्लैश लाइटिंग का पूरा खेलिए। ये जो सूरज जैसा दिख रहा है ये फ्लैश लाइटिंग है पूरी। नर्मदे हर, ये फ्लैश लाइटिंग चल रही है पूरी। पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू के पीछे ये नर्मदे हर, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। नर्मदे हर, ये फ्लैश लाइटिंग, ये